जो सुंदर नेत्र इस वक्त इस संदेश को पढ़ रहे हैं वे सभी बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि यह संदेश उन्हें ही प्राप्त होगा जिन्हें ईश्वर स्वयं चुनेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में आनंद का प्रवाह बढ़ाना चाहते हो, तो आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो और हृदय से आत्मसात करो। हर आत्मा का मूल स्वरूप प्रेम और आनंद का है। कोई भी व्यक्ति जब प्रेम में होता है तो सबसे अधिक प्रसन्न क्यों होता है? क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वहीं दूसरी तरफ जब तुम घृणा या नफरत करते हो तो स्वयं अपने भीतर दुख का अनुभव करते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के मूल स्वरूप के विपरीत कार्य करता है तो वह सदैव दुखी रहता है। इसी प्रकार व्यक्ति सबसे अधिक आनंद में तब रहता है जब वह अपनी बाल अवस्था में होता है। वह समय जो व्यक्ति के जीवन का स्वर्णिम काल होता है, जब वह ऊंच नीच स्त्री पुरुष मान अपमान यश अपयश धर्म अधर्म के भेद को भूलकर केवल जीवन का आनंद लेता है। मेरे प्रिय, तुम यदि अपने इस जीवन में यह बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले ऐसे लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें कभी भी दुख दिया है। यह मत सोचो कि उन्होंने तुम्हें इतना कष्ट क्यों दिया, बल्कि यह सोचकर उन्हें क्षमा करो कि भले वह माफी के काबिल नहीं, किंतु तुम इस जीवन में आनंद से रहने के लिए शांति के हकदार हो। ऐसा करते ही तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। वह ऊर्जा जो तुम्हारे हृदय को बांधे हुए थी मुक्त हो जाएगी। मेरे प्रिय, अपने जीवन को प्रेम से भरने के लिए स्वयं को प्रेम की ऊर्जा में ले आओ। कोई व्यक्ति किसी को प्रेम तभी दे सकता है जब वह स्वयं को प्रेम करना जानता हो। जो खुद उदासीनता में जी रहा हो वह किसी दूसरे को प्रेम क्या देगा? इस सृष्टि में हर एक जीव, हर एक व्यक्ति ऐसा मित्र चाहता है जो प्रसन्न चित ऊर्जा से भरा हुआ हो। तुम ही बताओ, क्या तुम अपने जीवन में ऐसे लोगों को आमंत्रित करोगे जो दुख और निराशा में दबे हुए हो? कदापि नहीं। इसलिए आज से स्वयं को स्वीकार करो, क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो। स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि तुम प्रेम हो, प्रेम के हकदार हो। मात्र यह दो कार्य करने से तुम्हारा जीवन सदा सर्वदा के लिए खुशियों से भर जाएगा। आओ और संकल्प लो, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं प्रेम हूँ, मेरी ऊर्जा का विस्तार निरंतर होता चला जा रहा है।